आइए देखते हैं अपना चौथा प्रश्न। कथन कहता है, क्या गंगा नदी को साफ करने पर इतना अधिक धन खर्च किया जाना चाहिए? तो पहला तर्क कहता है हाँ, यानी इसने इसका सपोर्ट कर दिया कि हाँ गंगा नदी पे जो धन खर्च हो रहा है वो खर्च हमें करना चाहिए। तो रीजन कहता है, यह हमारी पवित्र नदी है, अतः इस पे किया जाने वाला खर्च भगवान को दिया जा रहा है, जिससे वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे उससे क्या गंगा नदी को साफ रखना चाहिए? तो ये बिल्कुल गंदी लॉजिक है, इसका कोई आधार नहीं है, इसीलिए बिल्कुल ही खराब लॉजिक है। यदि हम दूसरे लॉजिक की बात करें, नहीं इसने कर दिया विरोध, अब मस्तिष्क में जैसे ही नहीं आया, आधे बच्चे तो इसको पहले ही काट चुके होंगे कि भैया गंगा नदी पे साफ रखना चाहिए, कह रहा है नहीं, विरोध कर रहा है। लेकिन पहले जब तक इसका रीजन नहीं जान लेते हैं तब तक हाँ या ना में हम नहीं काट सकते हैं। तो आइए रीजन जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, नहीं तो कितना भी धन खर्च क्यों ना किया जाए, यदि लोग जागरूक नहीं होंगे तो वो पुनः नदी को दूषित कर देंगे। यानी इसने विरोध किया कि नहीं, गंगा नदी पे इतना अधिक धन खर्च नहीं करना चाहिए, और इसके पीछे का रीजन उसने कहा कि भैया सबसे पहले आप लोग को जागरूक करो ना, आप एक तरफ से नदी पे खर्च करते जाओगे, नदी को साफ करवाते जाओगे, आगे आप बढ़े और पीछे से लोग उसे फिर उसमें कचरा डालकर दूषित कर रहे हैं। तो इसका लॉजिक बिल्कुल सही है कि आप खर्च करने से पहले क्या करो कि अपने लोगों को जागरूक करो कि वो जीवन दायिनी नदी है, हमें उसे दूषित नहीं करना चाहिए। यदि लोग जागरूक हो जाएं, उसके बाद गंगा नदी को यदि साफ किया जाए तो वो दूषित नहीं हो सकेगी और इससे पूरे देश को बहुत ही प्रॉफिट मिलेगा। तो हमारा दूसरा रीजन जो है वो सही है, अतः हमारा नहीं कहना भी इस रीजन के कारण यह सही हो गया। तो हमारा नंबर दो आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे की चर्चा करेंगे।